जहांगीरपुरी हिंसा मामले में वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर एफआईआर दर्ज। वीएचपी ने जारी की मंजूरी मांगने वाली चिट्ठी। हमने तीन तीन थानों से परमिशन लेकर के हमने उस यात्रा को निकालने की परमिशन ली। पुलिस ने हमें परमिशन भी दी लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां से जा रहे थे। जहांगीरपुरी हिंसा में दिल्ली पुलिस की जांच पर उठे सवाल। पुलिस ने कहा शोभा यात्रा की एप्लीकेशन की सिर्फ रिसीविंग दी गई थी, मंजूरी नहीं। तीसरी वाली शोभा यात्रा है, इसका एप्लीकेशन एक दिन पहले यानी 15 तारीख की शाम में आया था और इसका परमिशन नहीं हो पाया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि गलत एफआईआर दर्ज हुई है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा हमने पुलिस से परमिशन ली थी, दिल्ली पुलिस अपनी गलतियों पर ठीकरा वीएचपी पर ना डाले। जो अकर्मण्यता का ठीकरा विश्व हिंदू परिषद जैसी लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन पर न फोड़े। हम जो काम करते हैं विधि सम्मत तरीके से करते हैं, परमिशन मैंने ली थी। जहांगीरपुरी हिंसा केस में वीएचपी नेता प्रेम शर्मा पर दिल्ली पुलिस के रवैये से उठे सवाल। पुलिस ने पहले कहा प्रेम शर्मा गिरफ्तार हैं, बाद में बयान बदला, कहा सिर्फ पूछताछ हुई, तीन तीन बार अलग अलग जानकारी दी गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब धीरे धीरे हालात हो रहे हैं सामान्य। हालांकि पूरे इलाके में सुरक्षा के हैं तगड़े इंतजाम, बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को किया गया है तैनात। दिल्ली पुलिस ने दो और केस किए दर्ज। सोनू चिकना पर आर्म्स एक्ट और सोनू को पकड़ने गई टीम पर पथराव करने के मामले के आरोपियों पर एफआईआर, अब तक 4 एफआईआर दर्ज। दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार और असलम की पुलिस हिरासत 2 दिन और बढ़ी हिंदू पक्ष की ओर से। आरोपी सूरज, सुकेन, नीरज और सुरेश को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जहांगीरपुरी दंगों के आरोपी अंसार की नई तस्वीरें भी सामने आई है। 35 साल का अंसार पेशे से कबाड़ी है लेकिन करता है अय्याशी, सोने के गहनों और शराब का शौकीन है। अंसार ने बनवाया है 5 मंजिला मकान, पहले भी दर्ज हो चुके हैं कई केस। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मिलेंगे। अंसार और आम आदमी पार्टी के कनेक्शन की जांच की मांग करेंगे। जहांगीरपुरी हिंसा में बीजेपी के आरोप, हिंसा के आरोपी अंसार का केजरीवाल की पार्टी से है रिश्ता। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा दोषियों को सख्त सजा मिले, पार्टी की टोपी तो कोई भी पहन सकता है। बीजेपी वाले हो किसी भी पार्टी के हो 10 गुना सजा मिलनी चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और टोपी की बात तो यहाँ ऐसी टोपी आप भी ले सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला। अरविंद केजरीवाल को आतंकियों का स्लीपर सेल बताया। आज केजरीवाल आतंकवादियों का स्लीपर सेल बन गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर भी निशाना। कहा आज हर गुंडे, कातिल और बलात्कारी को लगता है कि अगर वो बीजेपी में होता तो पूरी पार्टी उसे बचाने में लग जाती। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केजरीवाल की नहीं, केंद्र सुरक्षा करे। दिल्ली में हिंसा करने वाले आरोपियों की धरपकड़ है जारी, पुलिस की कई टीम्स कर रही हैं गिरफ्तारी। जहांगीरपुरी में गिरफ्तारी के दौरान रो पड़ा एक आरोपी। जहांगीरपुरी हिंसा में सबूत जुटाने लगी है फॉरेंसिक की टीम। कल 8 सदस्यों की टीम ने हिंसा वाली जगह से सैंपल्स लिए। हनुमान जयंती के दिन हुई थी बड़ी हिंसा। दिल्ली में हिंसा के आरोपियों को कोर्ट से ले जाते वक्त लगे जय श्री राम के नारे, पुलिस वैन में मौजूद 4 हिंदू आरोपियों ने भी नारे लगाए। जहांगीरपुरी हिंसा पर पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, आरोपियों की पहचान है जारी, हर एंगल से हो रही है जांच, जांच में कोई भेदभाव नहीं।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिसाल बने। जहांगीरपुरी हिंसा पर एमआईएम प्रमुख ओवैसी का भी बड़ा बयान आया सामने, कहा सरकार की शह पर हो रही है हिंसा, सरकार चाहती तो हिंसा नहीं होती, पुलिस की कार्रवाई एक तरफा। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा, कहा बिना इजाजत जुलूस निकला, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। उनको जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी, जुलूस निकालने क्यों दिया? अमित शाह जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में, या दिल्ली पुलिस पुलिस कमिश्नर से और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल हटा देना चाहिए। गुजरात के वडोदरा में सड़क हादसे के बाद दो समुदाय में हिंसक झड़प, पथराव भी हुआ, 10 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गई, कई घायल, इलाके में अब पुलिस की कड़ी सुरक्षा, पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अमरावती में भगवा झंडा लगाने पर दो गुटों में विवाद, इलाके में लगा कर्फ्यू, करीब 20 लोग हिरासत में लिए गए। देश में हिंसा के मामलों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर पलटवार, देशवासियों के नाम चिट्ठी में, कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुए दंगों की याद दिलाई, बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का भी किया जिक्र। महाराष्ट्र में धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर उद्धव सरकार, आज गाइडलाइंस करेगी जारी। भड़काऊ भाषण देने और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को धमकी देने वाले पीएफआई के नेता मतीन शेखानी ने थाने कोर्ट में सरेंडर किया, बाद में 15,000 के मुचलके पर मिली जमानत। लाउडस्पीकर विवाद के बीच नासिक पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, शहर में अजान से पहले और बाद में 15 मिनट तक नहीं बजेंगे भजन और हनुमान चालीसा, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लागू होगा आदेश। हिंसा की घटनाओं पर विपक्ष के साझा बयान से शिवसेना ने किया किनारा, सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी और शरद पवार ने शिवसेना के बयान के लिए उद्धव ठाकरे का 6 घंटे तक इंतजार किया था। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस नेता की मौत पर पुलिस का बयान, साजिश रचकर की गई हत्या, दोषियों के बारे में पता है, वो जल्द पकड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज है दूसरा दिन, बनास डेयरी प्लांट, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन समेत 22,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के जामनगर में एक मिनी रोड शो भी करेंगे, हालांकि ओपन जीप में मौजूद नहीं होंगे पीएम, लेकिन उनकी गाड़ी थोड़ी धीमी गति से चलेगी, लोग करेंगे स्वागत और अभिवादन। पीएम मोदी ने 3 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा भी लिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की, सूत्रों के मुताबिक घाटी और देश के हालात पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को आवासीय और कृषि भूमि पट्टा का मंजूरी पत्र सौंपेंगे। मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल, काशी के लिए पहली ट्रेन आज होगी रवाना। दिल्ली के लाल किला में मनेगा 400वां गुरु पर्व कार्यक्रम, सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर के जन्मदिन पर 21 और 22 अप्रैल को होगा भव्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। आरजेडी के दावत इफ्तार वाले आमंत्रण पर भड़की बीजेपी, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा तेजस्वी अपना नाम तेजस्वी खान रख ले। पत्रकार पर भड़के बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राज्य के विकास पर सवाल पूछने पर डिप्टी सीएम को गुस्सा आया। तेलंगाना के खम्भम में बीजेपी का प्रदर्शन, टीआरएस सरकार और मंत्रियों पर परेशान करने का आरोप, बीजेपी का आरोप वोट बैंक के लिए, एक मंत्री ने हिंदू मंदिर में क्रिश्चियन सिंबल लगाया। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष की बेल खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में दी जमानत, एक हफ्ते के अंदर करना होगा सरेंडर। यूपी के लखीमपुर में स्कॉर्पियो ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, गाड़ी पर लगा था बीजेपी विधायक का स्टीकर,
बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की ये कार बताई जा रही है, ड्राइवर गिरफ्तार। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 450 एकड़ से ज्यादा जमीन को टेक ओवर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। पंजाब के नवाशहर कूलर धमाके में पुलिस का बड़ा खुलासा, हमले के तार पाकिस्तान में बैठे आतंकी से जुड़े थे, गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा था मास्टरमाइंड, 3 लोग गिरफ्तार। एमवे इंडिया पर ईडी की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की जब्त। यूपी के हमीरपुर में चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जयमाला में दुल्हन ने दूल्हे पर की थप्पड़ की बरसात, बारातियों में हुई जमकर मारपीट, बाराती जान बचाकर भागे, मौके पर पुलिस पहुंची। बिहार के गोपालगंज में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की पीट पीट कर हत्या, बाद में शव को पेड़ से लटका दिया, लड़की के परिवार वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लिया। बिहार के सोनपुर में फसल में लगी भीषण आग, गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, कटाई की मशीन से निकली चिंगारी की वजह से आग लगने की आशंका। असम में खराब मौसम की मार, बारिश और बिजली गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत। नहीं घट रही है महंगाई दर, मार्च महीने में सालाना महंगाई दर 14.55% हुई, पिछले साल मार्च में 7.89% थी, पेट्रोल महंगा होने का दिख रहा है असर। दिल्ली के ऑटो और कैब चालकों ने 2 दिन की हड़ताल अपनी खत्म की, पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हड़ताल पर थे। बढ़ती महंगाई के बीच मारुति सुजुकी ने कारों के रेट बढ़ाए, करीब 1.3% महंगी हुई कार, नई कीमतें लागू। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के नए सेना प्रमुख, 30 अप्रैल को लेंगे जनरल नरवणे की जगह, इंजीनियरिंग कोर से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में कोरोना के केसेस में 90% का इजाफा हुआ है, 2100 से ज्यादा नए केस, यूपी सरकार का फैसला, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और दिल्ली से सटे दूसरे जिलों में मास्क जरूरी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए केसेस 500 के पार, करीब 8% हुई संक्रमण की दर, इस साल 28 जनवरी के बाद कोरोना फैलने की सबसे तेज रफ्तार। आईपीएल में भी कोरोना की एंट्री, दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो मिशेल मार्श कोरोना संक्रमित, अस्पताल में कराया गया भर्ती, टीम को क्वारंटीन किया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।